हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल आखिर हॉस्पिटल की क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम आज डील करेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पे लिख रखा है तो एक एक करके हम डील करते हैं पहला हमारा फंक्शन क्या है हॉस्पिटल का डायग्नोस्टिक सर्विसेज़ डायग्नोस्टिक सर्विसेज़ का मतलब क्या होता है वैसी सर्विसेज़ जो इलनेस या डिजीज़ को डायग्नोसिस करने में आइडेंटिफाई करने में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज बोलते हैं जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है डायग्नोसिस किया जाता है कि आखिर उसे बीमारी क्या है या उसको हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है तो उसको पहले डायग्नोसिस करना है यानी कि ये किसका काम होता है किसका फंक्शन होता है हॉस्पिटल का फंक्शन होता है नेक्स्ट हमारा क्या हॉस्पिटल का फंक्शन है थेराप्यूटिक सर्विसेज हॉस्पिटल का फंक्शन होता है कि वो पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द क्यूरेटिव सर्विसेज फॉर द सिक पीपल जो भी बीमार लोग होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल क्या करता है क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराता है यानी कि उनके जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है ये कौन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल तो ये हॉस्पिटल का दूसरा फंक्शन है थेरापटिक सर्विसेज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमरजेंसी केयर ये हॉस्पिटल का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए इमरजेंसी केयर प्रोवाइड किया जाता है ये कौन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल इस जैसे इसमें कह रहा है हॉस्पिटल प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू द पेशेंट इन अक्यूट इलनेस अक्यूट इलनेस का मतलब क्या होता है सडन ऑनसेट यानी कि कोई भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया या कोई भी सडन ऑनसेट हो गया इलनेस का डिजीज़ का तो उसके लिए कौन से फंक्शन मतलब हॉस्पिटल शो करता है इमरजेंसी केयर यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है उसमें अक्यूट इलनेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो ये एक फंक्शन हो गया इमरजेंसी केयर नेक्स्ट हमारा क्या है क्रिटिकल केयर क्रिटिकल केयर भी हॉस्पिटल का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें क्या होता है कि जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए क्रिटिकल केयर यानी कि उनका कंडीशन ऐसा है कि क्रिटिकल है जिसमें क्या करते हैं हम क्रिटिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं तो ये कौन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है तो ये एक उसका फंक्शन हो गया नेक्स्ट क्या है रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल का एक और फंक्शन होता है कि कैसे पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना है यानी कि जब वो पेशेंट किसी क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है बहुत क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया है तो वहाँ से उसका ट्रीटमेंट करके कैसे कैसे उसको रिहैबिलिटेट करना है ठीक है तो ये किसका फंक्शन होता है हॉस्पिटल का फंक्शन होता है उसमें जो भी स्टाफ्स होते हैं वो इस फंक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं ये लेकिन फंक्शन किसका है हॉस्पिटल का फंक्शन है ये प्रोवाइड कौन कराता है हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है नेक्स्ट हमारा क्या है प्रिवेंटिव सर्विसेज यानी कि हॉस्पिटल का मेन फंक्शन यही नहीं है कि वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा या डायग्नोसिस करेगा उसका एक और फंक्शन आ जाता है कि वो प्रिवेंटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएगा यानी कि डिजीज होने से बचने के लिए वो जो भी सलाह या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो कौन प्रोवाइड कराते हैं हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराते हैं इसमें क्या होता है कि सच एज इम्यूनाइजेशन वेल बेबी क्लिनिक एंटी केयर काउंसलिंग एंड एजुकेशन यानी कि जो भी हम किसी डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती हैं उसमें क्या क्या आ सकता है इम्यूनाइजेशन आ सकता है हम इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं ताकि किसी भी पेशेंट को हम आगे होने वाले लाइफ में लाइफ में उसके जो भी आगे होने वाली डिजीज है उससे उसको प्रिवेंट कर सकें यानी कि प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल एंटी केयर वेल बेबी क्लिनिक यानी कि ये सभी क्या हैं प्रिवेंटिव मैकेनिजम्स का यूज किया जाता है जाता है प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है ताकि फर्दर कोई भी इंजरी या ज़्यादा हजारडस कंडीशन क्रिएट ना हो या कोई भी डिजीज कंडीशन क्रिएट ना हो तो ये कौन कैसे ये किया जाता है प्रिवेंटिव मेथड्स के थ्रू तो ये कौन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल नेक्स्ट हॉस्पिटल का फंक्शन क्या है हेल्थ प्रमोशन हॉस्पिटल का केवल फंक्शन ये नहीं है कि वो ट्रीटमेंट करेगा या हेल्थ प्रिवेंशन करेगा उसका एक और मेन फंक्शन है कि वो हेल्थ को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है यानी कि जो भी क्लाइंट आते हैं या जो भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में उनको हमें गाइड करना होता है काउंसलिंग देना होता है कि कैसे वो अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं तो ये किसका फंक्शन है हॉस्पिटल का फंक्शन है और उसके अंदर जो भी स्टाफ्स आते हैं ये उनका फंक्शन है ठीक है नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हॉस्पिटल का एक और फंक्शन है जो कि है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या होता है ये हॉस्पिटल ऑल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द एजुकेशन फॉर द मेडिकल नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल्स यानी कि हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स आते हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स आते हैं या पैरा मेडिकल के स्टूडेंट्स आते हैं जिनको वहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है तो ये किसका फंक्शन है हॉस्पिटल का फंक्शन है ना क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ फैसिलिटेट कराई जाती हैं हॉस्पिटल में कराई जाती हैं तो इसलिए ये हॉस्पिटल का फंक्शन है एडुकेशन एंड ट्रेनिंग ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है रिसर्च रिसर्च का मतलब क्या होता है मतलब आगे नई नई चीज़ों का इवोल्यूशन करना या नई नई चीज़ों का खोज करना इसको हम रिसर्च बोलते हैं ठीक है तो रिसर्च हॉस्पिटल हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे मेडिकल स्टाफ जो भी हो गए या जो भी मतलब वहां पे रिसर्च करना चाहते हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं तो ये कौन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल जिसमें कह रहा है हॉस्पिटल प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च फॉर एक्सपेंसन ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि हेल्थ साइंस के फील्ड में जो भी हमें एक्सपेंसन करना है यानी कि जो भी हमें इवोल्यूशन करना है या नया नया हमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना है या नए नए मेथड्स का यूज करना है किस लिए ताकि हेल्थ की फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से केयर या ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को या क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकें तो ये कैसे हो सकता है हम रिसर्च करते हैं जो भी थीसिस वगैरह सबमिशन करते हैं और रिसर्च करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि हम नए चीज़ों का इजाद करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और पेशेंट्स को उसके लिए बेहतर हम सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं तो ये रिसर्च के लिए वे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कौन कराता है हॉस्पिटल तो आज हम लोगों ने क्या डील किया फंक्शंस ऑफ दी हॉस्पिटल यानी कि उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं पहला हमारा क्या था डायग्नोस्टिक सर्विसेज डायग्नोसिस करता है हॉस्पिटल में जो भी क्लाइंट आता है उनका डायग्नोसिस किया जाता है और प्लस में उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट हमारा थेरापूटिक सर्विसेज जिसमें जो भी बीमार पेशेंट आते हैं बीमार क्लाइंट आते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट हमारा क्या है इमरजेंसी केयर हॉस्पिटल्स में बहुत सारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है इमरजेंसी केयर प्रोवाइड किया जाता है जो भी क्रोनिक या सॉरी एक्यूट इलनेस से जो भी सफर कर रहे होते हैं पेशेंट उनके लिए केयर प्रोवाइड कराया जाता है नेक्स्ट हमने क्या डील किया क्रिटिकल केयर क्रिटिकल केयर का मतलब क्या है वैसे पेशेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से सफर कर रहे हैं उनके लिए जहाँ पे भी केयर प्रोवाइड कराया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल केयर नेक्स्ट हमारा क्या था रीहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था वैसे पेशेंट्स जो ऐसे कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां से उनको फिर से पुराने नए कंडीशन मतलब पुराने जो उनकी हेल्थ की कंडीशन थी बेटर हेल्थ कंडीशन में उनको वापस लाना ये क्या कहलाता है रिहेबिलिटेशन नेक्स्ट हमने क्या डील किया था प्रिवेंटिव सर्विसेज जिसमें हम इलनेस होने से प्रिवेंट करते हैं ऐसी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव सर्विसेज नेक्स्ट हेल्थ प्रमोशन हेल्थ प्रमोशन में हम बताते हैं कैसे हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं और हमने क्या डील किया था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में जिसमें हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद क्या डील किया था रिसर्च के बारे में रिसर्च का मतलब मैंने अच्छे से बताया जिसमें हम रिसर्च करते हैं प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कराता है हमें हॉस्पिटल जिसमें हम रिसर्च कर पाते हैं तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें ताकि फर्दर आप नोट्स एंड इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें थैंक यू